में भी इस चीज़ को लेकर भ्रम है, लेकिन जैसे विकास सर ने अभी बताया तो ऐसा कुछ नहीं है और सभी लोग जल्दी उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। और फायदा ये है कि जैसे आपको पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इनके सहयोग से सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर हमारी संस्था पथ प्रदर्शक द्वारा आयोजन किया गया रक्तदान शिविर करते हैं या दान करते हैं, वही किसी की जिंदगी बचाने के काम आती है, इसीलिए इसको रक्तदान जीवन दान का संज्ञा दिया गया है और सही भी है। रक्तदान तो महादान कहलाता है और हम लोग सब जानते हैं कि रक्तदान जो भी इंसान करते हैं वो किसी न किसी को जाता है। नहीं नहीं, अभी करने वाले हैं रक्तदान, करवाने वाले हैं। हाँ, क्या क्या जांच हुआ रक्तदान में? अभी तो जांच कुछ नहीं हुआ, एक बीपी जांच हुआ है। इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कैसा है, मतलब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं लगा? नहीं नहीं, अभी मैं डोनेट कर रहा हूँ और भी लोगों ने डोनेट किया, उसने डोनेट किया। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, हम लोग जानते हैं और आजकल ये जरूरी है। इसका दान है, जितना एक अमीर कर सकता है उतना गरीब भी कर सकता है। प्रचार और यहाँ पे हम लोग एक साल हुए अभी आए हुए और ये इंजीनियरिंग कॉलेज और 90 to 120 डेज का उसका लाइफ स्पैन होता है, तो मरने से अच्छा है कि उसको आप दे दीजिए, ठीक है? और ऐसा कुछ भी नहीं कि कमजोरी होती है हमारे पे कि वो लोग बोलते कमजोरी होती है, तो ऐसा किसी प्रकार का दिक्कत नहीं लगा। नहीं सर, नहीं सर। और कब से हाँ मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं? डिग्री लेने के बाद उसके बाद आपका ब्लड ग्रुपिंग किया जा रहा है, ठीक है? उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद ब्लड डोनेशन के लिए आपको भेजा जाएगा। यदि आपको टाइफाइड या फिर मलेरिया 6 महीने तक हुआ है, दुर्घटना 1 साल तक के अंदर कभी हुआ है, 6 महीना में सर्जरी हुआ है, तो लोग ब्लड नहीं दे सकते हैं। जो रक्त तेरी खूनों में है वो रक्त मेरी खूनों में है, और रक्तदान इसलिए होता है जो किसी को जान बचा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्थुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है रोड सेफ्टी सड़क सुरक्षा के तहत जो है मंथ 2024 महीना में जो है सड़क सुरक्षा के तहत जो है रक्तदान किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक नहीं कई जो है यहाँ पर रक्तदान कर रहे थे और रक्तदान करने वाले हैं। सर आए हुए हैं, इनसे जानकारी लेंगे आखिर रक्तदान की क्या विशेष महत्ता है। सर सब स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। रक्तदान की क्या महत्ता है सर? रक्तदान ऐसा दान है, जितना एक अमीर कर सकता है उतना गरीब भी कर सकता है, और रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि यह जीवन देता है। इसलिए हमारा प्रयास लगातार रहता है कि रक्तदान को ज़्यादा मोटिवेट किया जा सके, क्योंकि ऐसा देखा गया अस्पताल में कि पत्नी को रक्त की आवश्यकता है और पति को खून नहीं देने देती है, जागरूकता की कमी है। यही हमारा प्रयास है, इस जागरूकता और इन भ्रांतियों को कि रक्तदान से कमजोरी आती है, इनको दूर करने का मेरा लगातार प्रयास है। और आज अर्थुआ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में इनके सहयोग से सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर हमारी संस्था पथ प्रदर्शक द्वारा आयोजन किया गया रक्तदान शिविर का। और सड़क सुरक्षा और रक्तदान दोनों का संबंध है। क्या संबंध है सर? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये सड़क सुरक्षा का नारा है। चूंकि रक्त की आवश्यकता सबसे ज्यादा जो होती है वो सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को तत्काल आवश्यकता होती है। बाकी कोई मरीज होते हैं तो उन्हें 1 दिन 2 दिन 4 घंटा 6 घंटा बाद ही ब्लड दिया जा सकता है, लेकिन जो सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं लोग, दुर्घटना में घायल होते हैं, उनका खून बह जाता है और तत्काल उन्हें खून की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सड़क सुरक्षा माह में एक संदेश भी है, सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है और कभी सप्ताह भी मनाया जाता है, और हमेशा हमारी संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है इस अवसर पर। रक्त कौन कौन दान दे सकता है? 18 साल से ऊपर हम लोग, 18 वर्ष से ऊपर और 55 साल तक पहली बार, जिनका वजन 45 किलो से ऊपर हो और होमोग्लोबिन 12 ग्राम से ज़्यादा, वो स्वैच्छिक रक्तदान कर सकते हैं। और मतलब होता ना होगा कि कौन कौन सा रोग वाले रक्तदान नहीं कर सकते हैं? हाँ, ऐसे हार्ट डिजीज जिनका है, पाइल्स जिनको है, और बवासीर जिसको कहते हैं, या महिलाएं पीरियड के वक्त 2 दिन बाद 3 दिन बाद तक दूध पिलाने वाली माँ, यदि आपको टाइफाइड या फिर मलेरिया 6 महीना तक हुआ है, दुर्घटना 1 साल तक के अंदर कभी हुआ है, 6 महीना में सर्जरी हुआ है, तो लोग ब्लड नहीं दे सकते हैं। डायबिटिक लोग नहीं दे सकते हैं जो इंसुलिन लेते हैं। अब रक्तदान करने से जो बेनिफिट है वो ये है कि गंभीर से गंभीर बीमारी से हम इसे निजात पा सकते हैं, सुरक्षा पा सकते हैं, सेफ्टी हो, निजात बिल्कुल, क्योंकि जो नियमित रक्तदान करता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है, और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा तो हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम हो जाती है। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है।
तो सर रक्तदान के साथ साथ जो है रोड सेफ्टी का भी जो है ख्याल रखा जाए, आखिर सड़क दुर्घटना होने का क्या पर्पस होता है सर, इसके बारे में जानकारी? सड़क दुर्घटना के लिए प्रयास किया जा रहा है परिवहन विभाग द्वारा। क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जो भी अभी जैसे कि माह चल रहा है, अभी सुरक्षा माह मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो परिवहन विभाग के द्वारा तरह तरह कहीं पे आई जांच, नेत्र जांच कैंप, क्या की रोशनी कम उससे भी दुर्घटना हो सकती है, रात में वाहन चलाने पे दुर्घटना हो सकती है, तो उसके बाद गाड़ी का फिटनेस, बहुत पुरानी गाड़ी है सड़कों पे है उससे भी दुर्घटना होती है, तो फिटनेस का जांच भी हो रहा है, नेत्र जांच का हो रहा है, स्वास्थ्य जांच भी हो रहा है, जो ट्रक और जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं वो, तो इस तरह का प्रोग्राम, हेलमेट का चेकिंग ताकि दुर्घटना ना हो, आप हेलमेट नियमित पहने, ये सब एक महीना का है प्रोग्राम चल रहा है, इसी बीच हमारी संस्था की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन रहता है होता है। सर यह आप कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से हैं, हमारी संस्था है पथ प्रदर्शक, रक्तदान के क्षेत्र में हमारी सेवा है। आपका पूरा परिचय सर? मेरा बमेंद्र कुमार सिंह, मैं सचिव पथ प्रदर्शक। आप सर क्या कहेंगे रक्तदान शिविर के बारे में? बाकी तो सारा चीज सर ने बता ही दिया, लेकिन मुख्य रूप से है कि रक्तदान महादान जो मेरा कहा गया है उसका कारण यही है कि ये कहीं बनता नहीं है। जो भी रक्त हम लोग डोनेट करते हैं या दान करते हैं वही किसी के जिंदगी बचाने के काम आती है, इसीलिए इसको रक्तदान जीवन दान का संज्ञा दिया गया है और सही भी है। तो इसीलिए हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं वो जागरूक हों और टाइम टू टाइम रक्तदान करें और रक्तदान के क्षेत्र में अपना योगदान दें, किसी के किसी का जीवन बचाया जा सके। जी बस, और यहाँ पर देख सकते हैं एक नहीं और जो रक्तदान दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है रक्तदान देकर? देखिए ब्लड डोनेट करके तो ग्रेट एक्सपीरियंस मिलता ही है। अच्छा। और ब्लड डोनेट करने से ये आपके लिए अच्छा है, आपका खून रिन्यू होता है, ऊपर से लोगों का जान भी बचता है। जी जी। तो मैं मेक श्योर करूंगा कि आप लोग सारे लोग आए ब्लड डोनेट करें। इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कैसा है, मतलब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं? नहीं, अभी मैं डोनेट कर रहा हूँ, और भी लोगों ने डोनेट किया, उसने डोनेट किया, उनसे भी पूछें आप। अच्छा। तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होता, मैंने पहले भी दान कर चुका हूँ एक दो बार। अच्छा। तो कोई तरह का समस्या नहीं आती है। अच्छा। और ये डॉक्टर्स लोग आपका ध्यान रखते हैं, 15 मिनट आपको अंडरस्टूड में रखते हैं, एंड इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल। थैंक यू। आप यहीं के छात्र हैं? जी मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ औरंगाबाद का। कौन सा टेट से है? जी मेरा सिविल से है, मैं थर्ड ईयर से हूँ फिलहाल। अच्छा, बीटेक। जी। अच्छा। और यहाँ पर जो है अभी रक्तदान किया है क्या? जी सर। क्या किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना हुआ? नहीं सर, नहीं सर। क्या? और कब से यहाँ मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं? ये मेरा फर्स्ट ईयर है बस। बीटेक का? जी सर। कहाँ से हैं आप? कैमूर से। और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं सर, रक्तदान के क्या क्या फायदे आप बताएंगे? रक्तदान करने से आदमी की फ्रेशनेस फील करता है और उसका जो पुराना ब्लड है वो निकल जाता है और जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर ही दूसरा ब्लड बन के फिर से शरीर में दौड़ने लगता है। तो ये जो भ्रम है कि इससे शारीरिक कमजोरी हो जाती है, ये दूर करने की ज़रूरत है। और हमने देखा है कि कई पढ़े लिखे लोगों में भी इस चीज़ को लेकर भ्रम है, लेकिन जैसे विकास सर ने अभी बताया तो ऐसा कुछ नहीं है और सभी लोग उसको कर सकते हैं, है ना? तो जो भी योग्य हैं, जो उसको कर सकता है, वो लोग उसको करें। और ये एक महान सेवा है और जो कि दान के लिए आत्मबल की ज़रूरत होती है, हमने अभी बोला भी कि दान के लिए आत्मबल की ज़रूरत है, चाहे आप 1 रुपए का ही दान कर रहे हो, चाहे अपना खून दान कर रहे हो, ठीक है? दान करने के लिए आत्मबल की ज़रूरत है, आपका अगर मन सच्चा होगा, सुंदर होगा, तभी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम विकास सर को, बमेंद्र जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया और बच्चों को उसके लिए प्रोत्साहित भी किया और बच्चे ऐसा भारी मात्रा में देख ही रहे होंगे आप लोग की वो कर रहे हैं, हमारे फैकल्टीज ने भी किया है, तो वो लोग काफ़ी खुशनसीब हैं कि जो लोग अपना रक्तदान कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे में हमारे सचिन सर हैं जिन्होंने इसके प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं। जी जी। और बाकी वो आपको बता देंगे। सर यह कितना बार रक्तदान किया जा रहा है? ये प्रथम बार है क्योंकि हमें लोग को यहाँ शिफ्ट हुए अभी एक ही साल हुआ है। अच्छा। तो क्योंकि विकास जी ने ये प्रपोजल हमारे सामने लाया तो हमने इसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये समाज सेवा भी है और इससे हमको भी फायदा है, क्योंकि हमारा भी शरीर स्वच्छ होता है, तो इसलिए हमने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया और हम उनको इसके लिए थैंक यू कहते हैं कि वो आए और उन्होंने अपना प्रपोजल दिया और हमने एक्सेप्ट कर लिया। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर प्रशांत मड़ी जी से, औरंगाबाद का प्रचार। अच्छा। और यहाँ पे हम लोग एक साल हुए आए हुए। अच्छा। और ये इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद अर्थुआ गांव में है, रफीगंज ब्लॉक में। तो
आगे भी इसी तरह रक्तदान से रिलेटेड और बच्चों को लेकर भी सर से हमारी बात हुई है कि बच्चों को कुछ भी जैसे चेकअप है, हेल्थ चेकअप है, वो भी ऑर्गेनाइज सरकार करती रहेगी और जिससे बच्चों को भी लाभ होगा और यहाँ के आसपास के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, आप क्या कहेंगे सर इस रक्तदान के बारे में? ये रक्तदान तो महादान कहलाता है और हम लोग सब जानते हैं कि रक्तदान जो भी इंसान करते हैं वो किसी न किसी को जाता है, तो इसका बेनिफिट दूसरे को मिलता है, मरीज को मिलता है, तो इसे उनकी ज़िंदगी बचती है। और हम लोग चूँकि अर्थुआ जी से औरंगाबाद में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं और फर्स्ट टाइम हम मिले थे विकास जी से और भवेंद्र जी से, तो इनका इनिशिएटिव था कि मतलब हम लोग ब्रॉड लेवल पर बिहार में ही नहीं सिर्फ ब्रॉड लेवल पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, तो इन्होंने एक्सेप्ट मतलब हमारे पास अप्रोच किया और हम लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया कि हाँ हम लोग अपने संस्थान में करवाना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ के फैकल्टीज मेंबर, हमारे यहाँ के प्रचार और यहाँ पढ़ने वाले इतने बच्चे हैं, सभी लोगों ने मतलब स्वेच्छा से इस रक्तदान शिविर में भाग लिया है और आने वाले समय में भी इस तरह का आयोजन हम अपने स्तर पर करवाते रहेंगे। और आप लोग का स्वागत है, आप लोग हमेशा आइए और इस तरह का रक्तदान ही नहीं अलग अलग शिविर भी लगाइए, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे आपको। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम सचिन कुमार हुआ, मैं एक्चुअली झारखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा। पर मैं अभी जी सुरंगाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल अमेंद्र में पोस्टेड हूँ। अच्छा, थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको रक्तदान करके भाई? बहुत खुशी हो रहा है सर। अच्छा। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, हम अच्छा। लोग जानते हैं। हाँ। और आजकल ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आजकल रोड पे एक्सीडेंट्स झगड़े कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, इसके लिए रक्तदान देना तो जरूरी था ही सबके लिए और हमारे फ्यूचर के लिए भी। अगर हमारे यहाँ भी किसी का कुछ होता है तो हमें भी रक्तदान के थ्रू रक्तदान किया जाएगा, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या जांच हुआ आपको रक्तदान करने से पहले? ब्लड ग्रुप हुआ। हा? ठीक है, ब्लड प्रेशर हुआ, वेट हा? हुआ हा? और ब्लड प्लेटलेट्स हुआ। किसी प्रकार की दिक्कत ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत रक्तदान करने से? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम। अभी ठीक ठाक है ना? हाँ, एकदम फिट है। एकदम फिट है ना? एकदम फिट फिट। और कितने बार रक्तदान किए हैं? फर्स्ट बार? मेरा फर्स्ट टाइम है सर। फर्स्ट टाइम है। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम जहानाबाद। जहानाबाद से? हाँ, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। और देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं, देख सकते हैं जो रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान कर दिया सर आप? नहीं नहीं, अभी करने वाले हैं। रक्तदान करवाने वाले हैं? हाँ। क्या क्या जाँच हुआ आपको रक्तदान? रक्तदान में अभी तो जाँच कुछ नहीं हुआ, एक बीपी जाँच हुआ है और ब्लड ग्रुप जाँच हुआ है। और क्या क्या जाँच हुआ? और तो वेट। किसी के दबाव में ना कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर देख सकते हैं एक मैम है, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर रक्तदान करने से क्या क्या फायदे हैं। मैम, रक्तदान के क्या क्या फायदे हैं आप बताएंगे मैम? फायदे तो बहुत सारे हैं। फायदे ये हैं कि जब ब्लड आपको ज़रूरत होती है, जैसे बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी का रोड एक्सीडेंट में ज़रूरत होती है, तो लेट नाइट में उस वक्त अगर आप दौड़ा भागी की जगह उस टाइम में अगर हमारे स्टोर करके रखते हैं, रक्तदान कर दिया, स्टोर करके रखते हैं, तो उससे है कि हम जल्दी उसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। और फायदे ये हैं कि जैसे आपको पता है कि खून जल्दी मर जाता है, 90 to 120 days का उसका लाइफ स्पैन होता है, तो मरने से अच्छा है कि उसको आप दे दीजिए, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं कि कमज़ोरी होती है हमारे पे, कि बहुत लोग बोलते कमज़ोरी होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कमज़ोरी होती है जो लाइफ स्पैन है उसमें, तो RBC मर जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप उसको किसी को दे दीजिए, तो ये सारे फायदे हैं। मैम, रक्त में जो है RBC और WBC कितने दिनों तक मतलब रहती है? 90 to 120 days होता है, ठीक है। RBC के कंपोनेंट होते हैं जो ब्लड सेल, ये जो खून में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट होता है, तो उसका हर एक का लाइफ स्पैन होता है, तो 90 to 120 days का होता है। यानी रक्तदान करने से और विशेष फायदे क्या? भाई फायदे तो यही चीज़ है, विशेष फायदा क्या होगा कि आपको जब किसी को ज़रूरत होती है, विशेष सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आपको कभी भी ज़रूरत हो जाए तो आपको मिल जाए वो खून, सबसे मेन वही चीज़ हो जाता है। जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, बच्चों में होते हैं, तो उनको ये होता है कि हमेशा उसको ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है ब्लड, तो जब ट्रांसफ्यूज़ करना तो हमको तो कहीं ना कहीं से चाहिए ब्लड, खून चाहिए ही चाहिए। तो ये लोग अगर कोई भी यंगस्टर में क्या होता है कि हमारा खून की क्वान्टिटी क्या बोलते हैं कि हमेशा एडिक्वेट रहती है यंगस्टर में, तो अगर आप उसमें यंगस्टर लोग अगर वो खून दान देंगे तो वो बच्चों में ट्रांसफ्यूज़ होगा, तो उससे अच्छा रहेगा, क्योंकि उनमें खून का हमेशा, उनका क्या है कि उनको हमेशा खून चाहिए होता है, जब तक आप ट्रांसफ्यूज़ नहीं कीजिएगा तो बच्चे मर जाएंगे। तो इस वजह से मेन फ़ायदा तो यही है। कभी रोड एक्सीडेंट, मान लीजिए कभी 12-1 बजे रात में एक्सीडेंट होता है, उस वक्त तुरंत हमको, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो हमेशा उस वक्त जल्दी से मुझे चाहिए,
तो हम ये प्रोसेस करेंगे, वो करेंगे, उस पर टाइम जाएगा, हमारे पास रहेगा तो हम जल्दी से ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा जो फायदे होते होंगे मैम, जिसका मतलब डिलीवरी पेशेंट हो गया, वैसे बच्चे लोगों को और मम्मी लोगों को जो फायदा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रेग्नेंट वुमेन है जैसे, उनको बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन गांव और देहात में जो होती हैं कि खाना की क्वांटिटी नहीं रहती, तो उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, 6-7 रहता है ड्यूरिंग सर्जरी, जब आप लेबर हो जाता है जब, उस वक्त ना उनकी और क्वांटिटी, क्योंकि उस वक्त लॉस होता है ब्लड का, तो उस वक्त भी हम चढ़ा सकते हैं, तो मेन फायदा तो यही है। आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर ज़ेबा नाहिद हूँ, जमुहर मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रही हूँ पैथोलॉजी में। अच्छा, जमुहर से कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे जो है रक्तदान के फायदे बताएं, और यहाँ पर देख सकते हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं, क्या क्या हो रहा है चेकअप, उनसे जानकारी लेंगे। रक्तदान करने से पहले क्या क्या चेकअप हो रहा है, क्या क्या हो रहा है यहाँ चेकअप रक्तदान करने से पहले? यहाँ पे आपका सबसे पहले ब्लड प्रेशर लिया जा रहा है, ठीक ना, बीपी लेने के बाद, उसके बाद आपका ब्लड ग्रुपिंग किया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद ब्लड डोनेशन के लिए आपको भेजा जा रहा है। फिर कहाँ से आप आए हैं? मैं नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमुहर सासाराम रोहतास से। देख सकते हैं, और आप क्या कर रहे हैं सर यहाँ पर? ब्लड ग्रुप कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप कर रहे हैं? अच्छा, कौन सा ग्रुप चेक हो रहा है अभी? अभी तो चेक करने के बाद में बताएंगे। कैसे पता चलेगा कि क्या है, मतलब ब्लड ग्रुप में बी पॉजिटिव है? ये रिजेंट है। अच्छा, देखिए एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी, ये दोनों को यहाँ देखिए ए बी और डी, ये जब ब्लड में डालकर ये मिक्स करेंगे हम, इस तरह से देखिए दोनों में अंतर है ना, इसमें देखिए ये फटा है, ये फट गया है, ये भी फटा है, तो ये हो गया बी पॉजिटिव। अच्छा, ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव इनका। और सर ब्लड डोनेशन के करने के क्या फ़ायदे होते हैं सर, आप कुछ बताएंगे? आप लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? सिर्फ चेक करवा रहे हैं। सिर्फ चेक करवा रहे हैं, ब्लड डोनेशन नहीं करना है? अच्छा, और बाकी जो है ब्लड डोनेशन के बारे में आप जो है क्या सोचते हैं, और इस जो है अर्थुआ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा जो ब्लड डोनेशन करवाया जा रहा है, आप सभी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सभी ज़रूर बताएँ। जय हिंद।